Assalamualaikum dear students, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर आतिफ नसीम और ये है आपका YouTube चैनल Science Made Sensible. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम GCE Cambridge International का मैथमेटिक्स का जो है वो पेपर टू जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. A2 सेकेंड जो आपके साथ ईयर है A levels का, उसका जो आपके साथ मैथमेटिक्स का पेपर टू है उस पे हम जो है आज अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. और सबसे पहला चैप्टर हमारा स्टूडेंट्स उस चैप्टर में उस सीरीज में पॉलिनोमियल्स के बारे में है. तो पॉलिनोमियल्स के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज अलजेब्रा. ठीक है, अलजेब्रा स्टूडेंट्स को बड़ा जो है मुश्किल सा नाम लगता है और ये बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह स्टूडेंट्स को लगता है, लेकिन अलजेब्रा स्टूडेंट्स आपके साथ जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रांच है. ठीक है, ये मैथमेटिक्स का काफी जो है इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि ये ब्रांच आपको रूल्स प्रोवाइड करता है, ये ब्रांच आपको टेक्निक्स प्रोवाइड करता है और ये ब्रांच आपको एल्गोरिदम्स प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से आप कोई भी अपने लिए अननोन जो है वो फाइंड कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रांच विच प्रोवाइड अस विथ रूल्स एंड टूल्स. ठीक है, और वो रूल्स और टूल्स हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम किसी भी अननोन को फाइंड कर सके. ठीक है, वो अननोन जो है इक्वेशंस की शक्ल में हमें उसके अंदर एक अननोन गिवन होगा और हम अलजेब्रा के रूल्स और अलजेब्रा के टूल्स के मुताबिक जो है वो हम उस अननोन्स को फाइंड करेंगे. स्टूडेंट्स, अलजेब्रा के बहुत से रूल्स जो है वो हमारी कॉमन सेंस में भी मौजूद है और बहुत से रूल्स जो है वो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते भी जा रहे हैं. ठीक है, उन रूल्स को भी इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे और उन रूल्स को अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशंस हैं, जहां जहां पे हम उसे अप्लाइड कर सकते हैं, उन अप्लाइड केसेस को भी हम थोड़ा सा इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये है पॉलिनोमियल्स के बारे में. ठीक है, तो आपके साथ जो है पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर एन माइनस जीरो प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू और लास्ट में प्लस ए एन एक्स पावर एन माइनस एन. ठीक है, ये तो आपको जो है जनरल फॉर्म में एक बहुत मुश्किल स्टेटमेंट नजर आ रही है, लेकिन स्टूडेंट्स इससे बिल्कुल डरना नहीं है. हम जो एग्जांपल्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये जनरल फॉर्म जो है हमें बड़ी आसानी से सिंपल हो जाएगा और हमने फिर जो है इसके कंडीशंस पढ़ने हैं कि इसमें क्या क्या चीज जरूरी है, ऐसे क्या क्या चीजें हम देखें कि अगर वो फुलफिल हो जाए तो फिर हम उस स्टेटमेंट को पॉलिनोमियल कह सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल देखें आपके साथ 3x² प्लस 3x प्लस 5. ठीक है, इसमें अगर आप देखें n की वैल्यू आपके साथ 2 से स्टार्ट हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो n की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. इसी तरह आप इस इक्वेशन को देखें x³ प्लस 3x² प्लस 9x माइनस 10, यहां पर आपके साथ n की वैल्यू जो है वो 3 से स्टार्ट हो रही है और डिक्रीज हो रही है. इसी तरह इस पॉलिनोमियल को देखें x पावर 4 प्लस 6x² प्लस 10x माइनस 15. यहां पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो इस पॉलिनोमियल में आपको जो है वो क्यूब का पावर नजर नहीं आ रहा. ठीक है, क्यूब का पावर आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसका कोफिशिएंट जो है वो असल में जीरो है. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेट्स सपोज एक पॉलिनोमियल गिवन हो x³ माइनस 1 और आपसे कहा जाए कि इस पॉलिनोमियल में जितने भी आपके साथ टर्म्स मौजूद हैं वो सारे टर्म्स मेंशन कर लें, तो फिर आप इसको इस तरह लिखोगे कि x³ प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 1. वो x² और x का टर्म भी साथ में आपने इंट्रोड्यूस कर. तो आपके साथ स्टूडेंट्स जो पॉलिनोमियल्स जो हैं उनमें अगर एक पावर x का वो आपको नजर नहीं आ रहा, एक टर्म आपको नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका कोफिशिएंट जो है वो आपके साथ जीरो था. ठीक है, तो इन सब पॉलिनोमियल्स में जो कॉमन बातें हैं उनको हम कंडीशंस के तौर पे यहां पे अभी हम डिफाइन करने वाले हैं और हम देखेंगे कि इन किसी स्टेटमेंट में हमें
हमें क्या क्या चेक करना पड़ता है और उस चेकिंग के बाद फिर हम उस स्टेटमेंट को पॉलिनोमियल का नाम दे सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली जरूरी बात पॉलिनोमियल में कि आपके साथ ये पावर ऑफ एक्स जो है ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहां आप देखें पावर ऑफ एक्स 2 है, यहां पावर ऑफ एक्स जो है आपके साथ 3 है, यहां पावर ऑफ एक्स, बल्कि नेचुरल नंबर को हटा के हम इसे होल नंबर कर देते हैं। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। होल नंबर वो जीरो से स्टार्ट लेते हैं होल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट लेते हैं, होल नंबर्स आपके साथ 0 से स्टार्ट लेते हैं। तो पहली बात जो आपने देखनी है पॉलिनोमियल्स में, वो आपने ये देखना है कि वेरिएबल का पावर जो होगा वो आपके साथ एक होल नंबर होगा, और स्टूडेंट्स वो स्टेप्स में डिक्रीज करेगा। मतलब अगर पावर 5 है तो नेक्स्ट पावर 4 होगा, फिर नेक्स्ट पावर आपके साथ 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, और फिर आखिर में हमारे साथ कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये दो बातें जो है पॉलिनोमियल में बहुत जरूरी है। अगर ये दो बातें आप पॉलिनोमियल में देख लें तो फिर आप उसे उस स्टेटमेंट को फिर आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं। पहली बात, आपके साथ एक्स का पावर जो होगा इट वुड बी अ होल नंबर, और दूसरी बात इट विल डिक्रीज इन स्टेप्स, वो डिस्क्रीट फॉर्म में डिक्रीज करेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में वो डिक्रीज नहीं करेगा, और उसका जो स्टेप इंटरवल होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर ये दो बातें आपके साथ किसी भी स्टेटमेंट में मौजूद है तो फिर हम उस स्टेटमेंट को पॉलिनोमियल का नाम जो है वो दे सकते हैं। इन सब में आप देखें आपके साथ वही बातें मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल आपको अरेंज ऑर्डर में भी गिवन हो सकता है और अनअरेंज ऑर्डर में भी गिवन हो सकता है। आप अनअरेंज ऑर्डर को अपनी सिंप्लिसिटी के लिए अरेंज ऑर्डर में लिख सकते हैं। अरेंज ऑर्डर के लिए फिर आपने ये जनरल फॉर्म की टेक्निक यूज करनी होगी कि आपको जो है उसको एक्स के पावर्स के फॉर्म में अरेंज ऑर्डर में लिखना होगा, ठीक है। सबसे पहले एक्स का बड़ा पावर, फिर उससे 1 लेवल कम, फिर उससे 1 लेवल कम, और इसी तरह आप पॉलिनोमियल को अपने लिए अरेंज फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, कुछ टर्म्स हैं जो पॉलिनोमियल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमारी है कि पॉलिनोमियल में हम टर्म किसे कहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, टर्म एक ऐसी जो है अरेंजमेंट है जिसमें हमारे साथ 3 चीजें मौजूद होती हैं। टर्म्स में हमारे साथ कोफिशिएंट मौजूद होता है, कोफिशिएंट के बाद फिर बेस मौजूद होता है, और बेस के बाद फिर पावर मौजूद होता है। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपके साथ टर्म्स हैं। इस टर्म में अगर आप देखें 3x2, तो 3x2 में आपके साथ 3 जो है वो कोफिशिएंट है, x उसका बेस है और 2 उसका पावर है। इसी तरह आप इस टर्म में देखें 9x में, 9 कोफिशिएंट है, x इसका बेस है, और स्टूडेंट्स इसका पावर आपके साथ 1 के इक्वल है। जब पावर 1 होता है तो हम उसे नॉर्मली मेंशन नहीं करते। एक दूसरा एग्जांपल -15x^4, स्टूडेंट्स इसकी जो है आपके साथ कोफिशिएंट वो -15 की इक्वल है, इसका आपके साथ बेस जो है वो एक्स की इक्वल है, और इसका पावर आपके साथ 4 की इक्वल है। स्टूडेंट्स इसको देखें 16, ठीक है, क्या इसको हम टर्म कह सकते हैं, क्या इसमें ये तीनों चीजें मौजूद है या नहीं है। अगर हम जाहिरी नजर से देखें तो आपके साथ इसमें सिर्फ कोफिशिएंट मौजूद है, आपके साथ ना बेस मौजूद है और ना पावर मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसको थोड़ा सा लॉजिक से देखें, इफ वी कैन राइट x^0 विद इट, ठीक है, तो आपको पता है कि एनीथिंग पावर 0 वो आपके साथ 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर बेस भी मौजूद है और पावर भी मौजूद है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम उसको मेंशन नहीं करते। लेकिन कांस्टेंट इस टर्म को फिर हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स में आप जो भी वैल्यू पुट करोगे उसका पावर 0 उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा, आपके साथ उससे 1 ही आ जाएगा, और 1 जब 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके साथ 16 ही होगा आंसर, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ टर्म्स विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट टर्म्स। तो इसमें ये जो टर्म है ये आपके साथ कॉन्स्टेंट टर्म है। स्टूडेंट, जिस तरह हमने कहा कि पॉलिनोमियल में जो टर्म्स का पावर होगा वो पावर आपके साथ होल नंबर होगा, तो यहां पे आप देख लें 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, आपके साथ 4 भी होल नंबर है, और 0 भी आपके साथ होल नंबर है। स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमने उसको नेचुरल नंबर से हटा के होल नंबर कर दिया इस केस के लिए।
क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स जो होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स, उन कांस्टेंट टर्म्स का पावर हमेशा आपके साथ जीरो के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ इस तरह लेट सपोज एक फॉर्म दिया गया हो, तो इसमें आप बताएं कि आपके साथ कोफिशिएंट क्या होगा, बेस क्या होगा और पावर क्या होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है, 3 आपके साथ कोफिशिएंट है और 2x आपके साथ बेस है और 4 जो है इसका पावर है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो फिर इसके कोफिशिएंट, बेस और पावर हो सकता है कि चेंज हो जाए। मतलब अगर हम इसको इस तरह लिख दें कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 से हमारे साथ 16 आता है इंटू एक्स पावर 4, और आपके साथ फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 से आपके साथ मेरे ख्याल में 48 आता है, 48 एक्स पावर 4। अभी इस टर्म के मुताबिक आपके साथ पहले टर्म कोफिशिएंट 3 था, अभी कोफिशिएंट 48 हो गया है, पहले बेस 2x था, अभी बेस x हो गया है, और पहले भी पावर 4 था, अभी पावर 4 है। ठीक है, तो ये जो टर्म्स की जो ये 3 चीजें हैं, कोफिशिएंट, बेस और पावर, ये आपके स्टेटमेंट के मुताबिक चेंज होती रहती है। अगर आप उसे थोड़ा सा रीअरेंज फॉर्म में लिख लें तो आप अपने लिए जो है वो अपने 3 वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी जो है लॉजिक साइंस नहीं है, आप आसानी से अपने लिए टर्म्स, कोफिशिएंट और मतलब लेट सपोज आपके साथ ये क्वेश्चन है 9x, ठीक है 9x, इस 9x को मैं अगर इस तरह मेंशन करूं, अगर इस 9x को मैं इस तरह मेंशन करूं तो आपके साथ पहले कोफिशिएंट 9 था लेकिन अभी कोफिशिएंट 1 हो गया है, पहले आपके साथ बेस x के इक्वल थी लेकिन अभी जो बेस है वो 9x के इक्वल हो गई है, पहले आपके साथ जो है पावर 1 की इक्वल था, यहां भी पावर 1 की इक्वल है। ठीक है, तो ये आप अपने लिए ये टर्म्स और कोफिशिएंट्स और पावर्स की वैल्यूज अपने अरेंजमेंट के मुताबिक एक ही टर्म के लिए आप उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, दूसरी चीज जो पॉलिनोमियल्स में हमने डिस्कस करनी है, एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द इक्वेशन। स्टूडेंट्स, जो आपके साथ पॉलिनोमियल होता है उसमें जो हाईएस्ट पावर यूज हुआ होता है, द हाईएस्ट होल नंबर दैट इज यूज्ड इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द इक्वेशन। स्टूडेंट, जैसे इस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो आपके साथ 2 यूज हुई है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। वी कैन से दैट दिस पॉलिनोमियल इज अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह इसको आप देखें, इसमें x की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 यूज हुई है, सो वी कैन से दैट दिस पॉलिनोमियल इज अ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, ऐसे इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, जिस तरह आपको यहां नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस के टाइप में आपने फिर डिग्री इस तरह फाइंड करनी है कि जो आपके साथ एक टर्म है उस एक टर्म के वेरिएबल्स के दोनों पावर्स को आपने ऐड करना है। तो इस टर्म की आपके साथ डिग्री 5 है और इस टर्म की डिग्री आपके साथ 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री को आपने मेंशन करना है, दैट इज 5। ठीक है, तो अगर दो वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है या 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है तो आप हर टर्म की डिग्री फाइंड करें और जो उनमें ग्रेटेस्ट होगा वो उस पॉलिनोमियल की आपके साथ डिग्री हो जाएगी। सो दिस पॉलिनोमियल इज अ फिफ्थ डिग्री इक्वेशन। स्टूडेंट्स, हमारे साथ नंबर ऑफ टर्म्स के लिहाज से भी हम पॉलिनोमियल्स को नाम दे सकते हैं। अभी ये जो हमारे साथ ये एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं इसमें हर पॉलिनोमियल में आपके साथ 3 टर्म्स हैं, तो इन पॉलिनोमियल्स को हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। अ पॉलिनोमियल दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। इसी तरह अगर एक पॉलिनोमियल में आपके साथ 2 टर्म्स हैं तो हम उसे बाइनोमियल कह सकते हैं, और अगर एक पॉलिनोमियल में आपके साथ जो है वो सिर्फ एक टर्म है तो फिर हम उसे जो है वो मोनोमियल कहते हैं। तो अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। इसी तरह पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स भी हो सकते हैं, 5 टर्म्स भी हो सकते हैं, 6 टर्म्स भी हो सकते हैं, 7 टर्म्स भी हो सकते हैं, और इस हर एक टर्म के लिए अगर हम नाम निकालना शुरू कर दें
तो हमारा और कोई काम नहीं होगा, हम इन्हीं पॉलिनोमियल्स के लिए नाम निकालेंगे। तो इसलिए जो है जब थ्री टर्म्स से आगे हो जाते हैं पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म्स, तो फिर हम उसे जनरली पॉलिनोमियल्स कहते हैं, बिकॉज पॉली मीन्स मैनी। आप इन सब को पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टर्म्स मौजूद है, ठीक है। तो तीन के बाद जो आपके साथ नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उन पॉलिनोमियल्स के लिए फिर हमने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं निकाला, उनको फिर हम जनरली पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तीन टर्म्स को हम ट्राइनोमियल, दो टर्म्स को बाइनोमियल, एक टर्म को मोनोमियल और ग्रेटर देन थ्री टर्म्स जो होंगे वो हमारे साथ फिर पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल पे हमने थोड़ी सी जनरल डिस्कशन कर ली है और मैं आपको दोबारा बता दूं कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर एक होल नंबर होगा और वो स्टेप्स के जरिए जीरो तक जाएगा, ठीक है। अगर लेट सपोज हाईएस्ट पावर 6 है तो फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा और फिर साथ में एक्स पावर 0 भी होगा, कांस्टेंट टर्म भी आपके साथ होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को फिर हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल का पावर आपके साथ फ्रैक्शन में गिवन हो, रूट्स फॉर्म में गिवन हो या नेगेटिव फॉर्म में गिवन हो, तो स्टूडेंट्स उन स्टेटमेंट्स को फिर हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये आपके साथ पॉलिनोमियल की डिफिनीशन है। और पॉलिनोमियल में आपके साथ क्या होते हैं, पॉलिनोमियल में आपके साथ टर्म्स होते हैं और उन टर्म्स के दरमियान ऑपरेटर्स यूज हुए होते हैं। ऑपरेटर्स आपके साथ प्लस या माइनस के ऑपरेटर्स आपके साथ उन टर्म्स के दरमियान यूज हुए होते हैं और उन टर्म्स में जो आपके साथ हमारा बेसिक मकसद होता है, जो हमारे साथ वो बेस होता है, That is the unknown, जिसे हमने find करना होता है, ठीक है। तो अगर आप जो है polynomials के दरमियान different operations करना चाहें, उन्हें plus करना चाहें, minus करना चाहें, multiply करना चाहें या divide करना चाहें, तो algebra आपको rules provide करती है। आप उस rules के जरिए अपने polynomials के साथ operations कर सकते हैं। उनमें से आपके साथ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल्स को। स्टूडेंट्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल्स को हम इकट्ठे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन, ठीक है। मतलब आप 3-2 करते हैं तो एक्चुअली आप 3 को माइनस 2 के साथ एड कर रहे हैं। तो एवरी सब्ट्रैक्शन प्रोसेस इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन। स्टूडेंट्स, आप टर्म्स को या पॉलिनोमियल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन एक कंडीशन है एंड दैट कंडीशन इज दैट द टर्म्स मस्ट बी लाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक टर्म्स का यहां पे मेरा मतलब ये है कि आप x पावर 1 को x पावर 1 के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, आप x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ ऑपरेट कर सकते हैं और आप x पावर 10 को x पावर 10 के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिस और पावर्स वो सेम होने चाहिए, ये दो चीजें आपके साथ सेम होनी चाहिए, तभी उन दो टर्म्स को या उन दो पॉलिनोमियल्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस तरह नहीं कर सकते कि x को आप x क्यूब के साथ ऐड कर लें, ठीक है, या x पावर 5 को आप कांस्टेंट के साथ ऐड कर दें, ये आपके साथ कंफर्टेबिलिटी इसकी नहीं है। आप उन पॉलिनोमियल्स में उन टर्म्स को ऐड कर सकते हैं जिनके बेसिस और पावर्स आपके साथ सेम हो और आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रीवियस नॉलेज से मैं एज्यूम करता हूं कि आपके साथ होगी। मल्टीप्लीकेशन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है तो आपने उन सारे टर्म्स को टर्म टू टर्म मल्टीप्लाई करना है, वन बाय वन आपने उसे मल्टीप्लाई करना है। और स्टूडेंट्स, जब भी आप दो टर्म्स के दरमियान कोई भी ऑपरेशंस किया करें तो ये बहुत जरूरी है कि आप तीन चीजों के बारे में सोचें। सबसे पहले आप साइन के बारे में सोचें कि उन दोनों टर्म्स का जो साइन है वो रिजल्ट में मैं क्या साइन लगाऊंगा। फिर आप नंबर के बारे में सोचे, उन दोनों टर्म्स के नंबर्स को ऑपरेट करें और लास्ट में फिर आप वेरिएबल्स को ऑपरेट करें, ठीक है। तो ये जो भी ऑपरेशन आप करें, यहां पे हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो भी टर्म टू टर्म मल्टीप्लीकेशन आपने करनी है उसमें इन तीन बातों का आपने खास तौर से ख्याल रखना है। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो या तो आपके साथ साइन में गलती कर लेते हैं
या वेरिएबल्स में गलती कर लेते हैं। तो हर एक ऑपरेशन में आपने इन तीन बातों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने साइन को ऑपरेट करना है, फिर आपने नंबर्स को ऑपरेट करना है, और फिर लास्ट में आपने वेरिएबल्स को ऑपरेट करना है। स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल आपको दी है कि मल्टीप्लिकेशन आपने टर्म टू टर्म कैसे करनी है। पहले आपने 3x को 5x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 3x को -6 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 9 को 5x के साथ मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में आपने 9 को -6 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये अभी तक मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं की, इसको मैंने जनरली ब्रैकेट्स में लिख दिया है। अभी ये हर मल्टीप्लीकेशन जो आप करोगे तो इन तीन स्टेप्स के लिहाज से करोगे। पहले आप साइन को मल्टीप्लाई करोगे, फिर नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे। तो स्टूडेंट, साइन आपके साथ प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, फिर 3 5s are 15, और एक्स इंटू एक्स से आपके साथ एक्स स्क्वेयर, और इस तरह इस पूरे प्रोसेस को आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट ऑपरेटर हमारे साथ डिवीजन का है। स्टूडेंट्स, आप पॉलिनोमियल्स को एक दूसरे पर डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवीजन के ऑपरेटर पे फिर हम कल डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और उन डिवीजन के लिहाज से हम कुछ टर्मिनोलॉजीज की भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर ये बात याद रखें कि जब हम वैल्यूज को डिवाइड में लिखते हैं तो हमारे साथ फ्रैक्शन के फॉर्म में रिजल्ट आता है, और फ्रैक्शन के दो टाइप्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पॉलिनोमियल्स के जो फ्रैक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, अगर उसमें न्यूमिरेटर की डिग्री जो होगी वो डिनोमिनेटर से कम होगी तो आपके साथ उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, और अगर न्यूमिरेटर की डिग्री जैसे यहां पर 3 है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा होगी, जैसे डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है और न्यूमिरेटर की डिग्री 3 है, तो इस किस्म के फ्रैक्शन को हम फिर कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में इसी पॉलिनोमियल्स के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी आगे और बहुत सी बातें आने वाली हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।